नवापुर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित एक तालुका मुख्यालय है, जहां एक अनूठा रेलवे स्टेशन है जो सिर्फ एक राज्य से संबंधित नहीं है, बल्कि इस रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा महाराष्ट्र में तो दूसरा हिस्सा गुजरात में। जी हां दोस्तों, यह एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर चार अलग अलग भाषाओं में रेल यात्रियों को सूचना दी जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी में अनाउंसमेंट होता है। ऐसे में यह रेलवे स्टेशन वाकई खास है, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन पर आपको महाराष्ट्र से टिकट लेनी होती है और ट्रेन पकड़ने के लिए गुजरात जाना पड़ता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नवापुर रेलवे स्टेशन की, जो महाराष्ट्र और गुजरात की बीच की सीमा इस स्टेशन के माध्यम से कटती है। इस कारण इसका एक हिस्सा नवापुर में है और एक हिस्सा महाराष्ट्र में। यह रेलवे स्टेशन सूरत भुसावल लाइन पर स्थित है, जो दो राज्यों में बटा हुआ है। आधा स्टेशन महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में आता है और आधा गुजरात के तापी जिले में। जानकारी के अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र के बंटवारे से पहले ही नवापुर रेलवे स्टेशन बन चुका था और बंटवारे के बाद भी इस स्टेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप अब यह दोनों राज्यों में आता है। नवापुर रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के वेस्टर्न रेलवे जोन तहत मुंबई डिवीजन अंतर्गत आता है। इस स्टेशन का स्टेशन कोड NWU है। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म और 4 ट्रैक है। साथ ही यह स्टेशन इलेक्ट्रिफाइड है। यहाँ पर पैसेंजर, मेमू, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें रुकती हैं। नज़दीकी रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ से कालदा 10 किलोमीटर, भंडभुजा 11 किलोमीटर, लकड़कोट 16 किलोमीटर, उकाई सोनगढ़ 24 किलोमीटर, खंडवारा 35 किलोमीटर है। ऐसा ही एक और रेलवे स्टेशन है जिसका नाम भवानी मंडी है, जिसका आधा स्टेशन राजस्थान में और आधा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगली वीडियो में हम भवानी मंडी रेलवे स्टेशन की बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, पर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि सबसे पहले हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।